dear students I welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 142 and we are going to talk about that how can we neutralize unproductive behaviors अब जब हम दोस्तों के साथ ताल्लुक रखते हैं उनके साथ interact करते हैं तो बाज़ों का हमारा reaction unproductive भी हो सकता है और वो unproductive reaction हमें unwanted consequences की तरफ वो ले जाएगा therefore हमें बहुत केयरफुल रहना होगा कि डिफरेंट औकात में डिफरेंट लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं और उनके साथ हमारा इंटरेक्शन वो कैसे होना चाहिए अब इस तफसील को चलने के लिए, उन में हम ये देखेंगे कि दूसरा शख्स बर्ताव क्या कर रहा है और हमें उसको टैकल करने के लिए वो क्या करना होगा फॉर एग्जाम्पल इफ द अदर पर्सन इज एग्रेसिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल तो उस सूरत में वट वी हैव टू ट्राई इज बेसिकली दैट वी हैव टू कमांड रिस्पेक्ट बाई रिमेनिंग काम वी हैव टू गो फॉर इंटरप्रिटिंग वर्बल अटैक्स बाई रिपीटिंग द परसन नेम जब हम उसके नाम को बार बार पुकारेंगे तो हो सकता है कि उसका जो जहनी उलझाव है वो अपने नाम की तरफ मुतवजो हो और वो फिर से अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर आने की कोशिश करे वी हैव टू गो फॉर कम्युनिकेटिंग योर बॉटम लाइन

याद रखिए कि इफ द अदर पर्सन डजेंट लिसन टू योर साइड वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं योर ऑथर सेज ट्राई इन टू कन्वर्सेशन प्रिपेयर्ड टू सब सपोर्ट योर टू सपोर्ट योर ओन ओवर कंसेप्शन एंड ऑब्वियसली योर आइडियाज बिकॉज आपकी जो वो कंसेप्शन हैं बेसिकली वो दूसरे को ये बात बता सकेंगी कि उसको किस तरह से सपोर्ट करना है और किस तरह से वो आपके क्वेश्चन को आपकी कन्वर्सेशन को आपके बोले हुए अल्फाज को वो अंडरस्टैंड कर सकता है इसी तरह रीडायरेक्ट द पर्सन टू योर आइडिया और इंफॉर्मेशन विद फ्रेजेस सच एज आई वॉज वॉन्डरिंग बियर विद मी फॉर मिनट वट डू यू सपोज तो ये तमाम चीजें दूसरे को काम डाउन करने के लिए वो इस्तेमाल की जा सकती हैं जिससे कि उसका ध्यान भी आपकी तरफ मुतवजो वो हो लाइक वाइज एक्नोलेज दर्सन पोजेस वैल्यूएल नॉलेज टू इस बात को भी जहन में रखें कि हो सकता है कि आप किसी पॉइंट के ऊपर गलत हो और जो दूसरा शख्स है वो सही आइडिया सही पॉइंट पेश वो कर रहा हो लाइक वाइज अगर द अदर पर्सन हैज एन एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट और अगर वह अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सक रहा है तो हाउ कैन यू डील विद दिस सिचुएशन

अगर हम कुछ और सिचुएशन को भी देखें कि इफ द अदर पर्सन इज अनकम्युनिकेटिव तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं वी कैन स्कैल पेलेंटी फॉर द पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू योर आइडियाज एंड हम ज्यादा वक्त कर सकते हैं टू फाइंड आउट अनदर आल्टर और अ परसपेक्टिव जिसमें कि दूसरा शख्स राजी हो कम्युनिकेट करने को फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो गो फॉर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल वट आर यू थिंकिंग हाउ डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड गो फ्रॉम हेयर तो ये तमाम चीजें मुख्तलिंदाज में जब आप सोचोगे क्वेश्चन पूछोगे तो उससे लोगों का ध्यान बटेगा और वो आमादा हो पाएंगे आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसी तरह गेज अनएक्सपेक्टेडली एट द पर्सन फॉर अ लॉन्गर दैन यूजल पीरियड तो अगर हम उसको नजर भर कर भी देखें तो उससे भी वो शख्स कॉन्शियस हो सकता है कि यू आर लुकिंग एट द पर्सन एंड इन अ रिएक्शन उस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट वो करना चाहिए लाइक वाइज एज्यूम दैट दिचुएशन ट गेट बेटर अगर दूसरे शख्स यह समझे कि हमारा जो ताल्लुक है वह बेहतर नहीं हो सकता तो अब उस सिचुएशन में क्या करोगे इट इज सेट बैक टू यू अगेन हम वक्त को बाई इन करेंगे ताकि दूसरा शख्स सोच सके अपने इरादे को और फिर से दोबारा से आपके साथ एक निगोसिएशन आपके साथ एक डायलॉग वो कर सके सो ब्रिंग अप एंड एड्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ एन आइडिया बिफोर द अदर पर्सन डज So, हम भी ये कोशिश कर सकते हैं कि एक नए आइडिया के साथ अपनी बात को वो करें ताकि अगला शख्स आपको सही तौर अंडरस्टैंड वो कर सके डियर स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि मुख्तलिफ लोगों के बर्ताव के ऊपर हमारे पास तरीक़ार मौजूद है कि हम रिएक्ट कैसे करें ऑबियसली हमारा रिएक्शन उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए होगा हमारा रिएक्शन उनको कूल cool डाउन करने के लिए होगा ताकि वो काम तरीके से आपकी बात को समझ सकें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश वो कर सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि हर शख्स के सोच का अंदाज़ मुख्तलिफ वो हो सकता है हर शख्स के जज्बात और एहसास मुख्तलिफ वो हो सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग रिएक्ट करते हैं हमें यह देखना होगा कि उनके रद्दमल के तौर पर हमारा जो किरदार हो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो कैसा हो जिससे कि मामलात उलझने की बजाय सुलझ सकें Thank you.